व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे यार। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से इस दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर। एनीवेज, उसको छोड़ो यार, मैं देख रहा था कुछ वीडियोस एंड वहां पर कुछ 10-12 लोग है, 10-12 नहीं बहुत ज्यादा लोग है, 20-25 ऊपर होंगे, ठीक है, मैंने गिने नहीं, ऐसे चूतिया लोग को कौन गिनते बैठेगा। अब बजरंग दल के लोग थे और एक PVR में घुस के शाहरुख खान के पठान के पोस्टर तोड़ रहे और उसको ऊपर से तोड़ रहे, नीचे से तोड़ रहे, इधर से तोड़ रहे, उधर से तोड़ रहे, ठीक है। मैं इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ। वो एडवाइस क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, बट सबसे पहले तो मेरे को एक बात बता, ये जो वीडियो निकल के आया है ना, आप एक PVR के अंदर जहां पर मुश्किल से 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, है ना, बेचारे वहां पर नौकरी करते होंगे सुबह से रात तक, वहां पर आप घुसते हो, वहां पर आप लोग है ना गुंडागर्दी करते हो सरेआम, है ना। वो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या ही है, ये गुंडागर्दी है। हाँ, PVR किसी के बाप का है क्या इसमें से? हाँ, ये जो आप लोगों ने यहाँ पर ये जो तोड़फोड़ मचाई है, हाँ, इसका भाई पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा क्या? ये जो चीजें आप हरकतें कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो यार, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे देश के अंदर? यार मैं होनेस्टली आपको बोल रहा हूँ यार, यार कुछ भी हो जाए यार, लोगों को जिंदा भी जला देंगे ना तो भी हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, बिकॉज मजा आ रहा है सबको, सबको मजा आ रहा है क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तभी तो वोट्स मिल रहे हैं। दिस इज रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं करनी, उसको अपनी जगह पे रखो, बट यार एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये हिंदुस्तान का जो माहौल है, जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे, एक रंग के नाम पे हमने डिवाइड कर दिया सबको, शाहरुख खान जो कि किंग है, हिंदुस्तान का किंग है वो, हिंदुस्तान की शान है वो, है ना, बॉलीवुड की शान है वो ऐसा इंसान है जिसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। हमको हमारे सुपरस्टार का वैल्यू नहीं है, आप लोग बोलते इसको पाकिस्तान भेज दो, मैं तो बोलता हूँ भाई भेज दो भाई, हमसे ज्यादा इज्जत कर लेंगे वो लोग, हमसे तो हमारा सुपरस्टार भाई, हम लोगों से तो उसका रिस्पेक्ट ही नहीं हो रहा, हमसे तो रिस्पेक्ट ही नहीं हो रहा ना उसका, हम तो उसके पुतले जला रहे, हम तो उसको भाई तोड़ फोड़ रहे उसको, है ना, उसके पोस्टर तोड़ रहे, हम लोगों तो मूवीज रिलीज नहीं होने देंगे, तो हमसे तो ज्यादा रिस्पेक्ट वहां पे मिलेगा उसको, भेज दो पाकिस्तान, भेज दो अफगानिस्तान, भेज दो दुबई, भेज दो, क्योंकि हमसे तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा भाई। हमारे हिंदुस्तान की वो शान, उसको हम जान से मारने की धमकी देते, ये हमारा हिंदुस्तान है आज के टाइम पे, तो हमसे तो ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, वैल्यू देंगे हमसे ज्यादा बोलो। एनीवेज यार, ये जो कुछ लोग घुसे हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग आज घुस गए जहां पर कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, है ना, कुछ टिकट वाले होते हैं वहां पे, कुछ लोग होते हैं जो कि वेटर्स होते हैं, हमको पॉपकॉर्न वगैरह देते हैं ना, कुछ टिकट्स देखने वाले लोग होते हैं, कुछ टिकट बनाने वाले होते हैं, कुछ काउंटर के ऊपर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो होंगे, कुछ एक दो वॉचमैन होंगे, वहां पर आप घुस के गुंडागर्दी करते हो। अरे सर, आज तो है ना चल जाएगा, आप घुस गए गुंडागर्दी दिखा दी, बट ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, गलती से भी 25 जनवरी को मत घुस जाना, वरना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गलती से भी आप लोग 25 जनवरी को घुस गए ना, वो ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या जिस तरीके से आप लोगों ने शाहरुख खान के पोस्टर को तोड़ा है ना, शाहरुख खान के फ्रेंड्स आपका पोस्टर बना के टिंगा देंगे और उस बाद उसको उतार के तोड़ देंगे। सो प्लीज केयरफुल रहना, आज तो कोई नहीं था वहाँ पे, 25 जनवरी को जब SR किया जो शाहरुख खान के फैंस है, देखो यार मैं एक ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा शाहरुख खान को, ये मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शाहरुख खान को इसलिए सपोर्ट करता हूँ बिकॉज मेरे को पता है वो बंदा कितना टैलेंटेड है, मैं उस बंदे के टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, मेरे को पता है उसने इंडिया के लिए क्या क्या किया हुआ है, मेरे को पता है उसका टैलेंट क्या है, मेरे को पता है उसने क्या अचीव किया हुआ है, मेरे को पता है वो कितने लोगों का भाई वो इंस्पिरेशन होगा कि यार मेरे को उसकी राह पे चलना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है भाई, वो किस तरीके से हिंदुस्तान का जो नाम है ना भाई वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से रोशन किया ना, मेरे को पता है, मैं उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसके टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ। एंड देखो, पठान तो रिलीज होगी, पठान ब्लॉकबस्टर भी होगी, और पठान, मेरे को एक बात बताओ यार, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई पठान फ्लॉप हो जाएगी, शाहरुख खान को भी सवाल किया था भाई ये डिजास्टर हो चुकी है, आप संन्यास ले लो, मेरे को एक बात बताओ यार, चलो पठान फ्लॉप हो भी गई तो भी क्या होगा, शाहरुख खान क्या भीख मांगेगा मन्नत के बाहर, उसका डायरेक्टर क्या भीख मांगने का है मुंबई के अंदर, क्या होगा? ऑलरेडी उन लोगों ने शाहरुख खान को लेके मोटा पैसा बना लिया, रिलीज होने से पहले वो लोगों ने बना लिया, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, बट यहाँ पर आप लोग बोलते हो कि भाई चलो गलती से भी पठान ब्लॉकबस्टर हो गई तो आप लोग क्या करोगे? हाँ, हार हो जाएगी क्या आप लोगों की? हार हो जाएगी, आप लोग मूवीज के साथ धर्म को जोड़ दिए, आप लोग इस पे मतलब आप लोगों का धर्म आज के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू कल्चर बजरंग दल जो भी है वो इस स्थिति पे आ चुका है कि हम लोग इससे डिसाइड करेंगे कि मूवीज अगर सुपर डुपर हिट हुई तो हम हार गए, है ना, और अगर फ्लॉप हो गई तो हम जीत गए, है ना। लाल सिंह चड्ढा के लिए आज भी बोलते हैं कि भाई हिंदू लोगों की जीत हुई, अगर वो सुपर डुपर हिट हो जाती तो भाई। सो प्लीज यार, आप है ना थोड़ा सा सोचो यार, किसी भी मूवी को अपने धर्म से ऊपर मत करो, वो जस्ट एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट ही रहने दो। एंड पठान को तो भाई सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा एंड करेंगे भी, जिससे भाई देखो एक बात बोलता हूँ यार,
अच्छी चीज को सपोर्ट करो, एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करो, एंड आपके पास जो रीजन है ना शाहरुख खान को बायकॉट करने के लिए वो इनवैलिड है। आमिर खान का तो फिर भी चलो समझ में आता है, उसके जो ट्वीट्स ले लो, सॉरी उसके जो जो भी उसने बोला हुआ है वो ले लो, उसकी वाइफ ने जो बोला हुआ है वो ले लो, या फिर कुछ मूवीज है वो ले लो, फिर भी समझ में आता है, चलो आपके पास वैलिड पॉइंट्स थे। बट शाहरुख खान के लिए आपके पास एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। तो भाई और शाहरुख खान ने बोला था ना बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, तो भाई उसकी जो औकात है ना वो ये है कि आपको उसके पोस्टर तोड़ने पड़ रहे, ठीक है। और आपकी औकात क्या है शाहरुख खान के सामने आप खुद ही देख लो, ठीक है। आप उसके यार छोड़ दो यार, मतलब कुछ निकल जाएगा ना तो अभी जल जाएगी। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।